सब्सक्राइब करें प्रिंस सलमान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना करें। दोस्तों वीवो Y71 के टिप्स के नए दिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप अपने जो जो ऐप है आपके मोबाइल पे आप SD कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नॉर्मली इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हम कैसे अपने जो ऐप है अपने फ़ोन में ऐप को अपने फ़ोन स्टोर से, मतलब अपने फ़ोन के जो स्टोरेज है यहाँ से लेकर हम इसको अपने मूव कर सकते हैं अपने SD कार्ड में। यहाँ पर हम SD कार्ड में इसको कैसे मूव करेंगे डिवाइस स्टोरेज को SD कार्ड में, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं सारे ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं इस ऐप्स को हम कैसे मूव करेंगे अपने SD कार्ड में, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर आपको मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें बता रहूँगा इस फ़ोन के बारे में। ये अपडेट है, ये बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। 71 में कोई भी ऐप्स को, मतलब जो आपके SD कार्ड में, मतलब नॉर्मली फ़ोन स्टोरेज में है, इसके कोई भी ऐप को आप अपने SD कार्ड में मूव नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आपके कोई भी ऐप्स को अपने SD कार्ड में आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जो ऐप आपका इंस्टॉल होता है वो नॉर्मली आपकी जो स्टोरेज एरिया लेगा वो है आपके डिवाइस स्टोरेज एरिया। जितने सारे ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे वो सभी डिवाइस स्टोर पे जाके इंस्टॉल होंगे, उसमें से कोई एक ऐप को भी आप SD कार्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये एक फॉल्ट है वीवो Y71 फ़ोन का, ये एक फॉल्ट है जो फॉल्ट अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो आप अपने कोई भी ऐप्स को नॉर्मली मूव नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको मूव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपने स्टोरेज को हमेशा क्लीन रखना है, आप इसको क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास अवेलेबल है 849 MB अवेलेबल, तो मैं इसको क्लीन कैसे रखूँगा, मैं आपको क्लीन करने का एक तरीका बता सकता हूँ लेकिन आप उसको मूव नहीं कर सकते। तो क्लीन करने के लिए आपको जो करना है, नॉर्मली आई मैनेजर का एक ऐप है आप उसको ओपन कर लीजिए। पर देखिए ट्रस्ट दिखाएंगे जिसको आपको एम्प्टी करना है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 644 MB का ट्रस्ट, तो मैं इसको नेक्स्ट करके जो क्लीन हो रहा है ये दोस्तों आपके कोई भी ऐप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जो कैचे फाइल्स होते हैं वही क्लीन हो रहा है, तो ये आपको क्लीन होने के बाद आपके फ़ोन के स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे उसको क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं, मैं आपको अब जो दिखाऊंगा। इसको क्लीन होने दीजिए, क्लीन हो चुका है तो मैं यहाँ पर डन कर दिया और फिर मैं चला जाऊँगा फाइल्स मैनेजर पे। यहाँ पर देखो 1.34 GB अवेलेबल हो चुका है। अगर आपको फिर भी और भी चीज़ें क्लीन करना है तो अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसका जो कैच है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब आपको सेटिंग पे जाना होता है, वहाँ पर आपको जाना होगा नीचे आके मोर सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है एप्लीकेशन पे और फिर जाना है इंस्टॉल पे। यहाँ पर जाते ही आपको कोई भी एक ऐप को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे 260 MB यहाँ पर स्टोरेज ले चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर 83 MB को क्लियर डाटा कर देता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे नॉर्मली वो पहले जैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया तो यहाँ पर हमको थोड़े स्पेस भी मिल गए। तो ऐसे आपको स्पेस क्लीन कर करके रखना होगा, नॉर्मली आप अपने कोई भी ऐप को अपने SD कार्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ मिल चुका है, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश ना करें, आप अपने ऐप को मूव नहीं कर सकते हैं। जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान।